हाँ, मैं नूर अली अलीज आर्केडिया रिसोर्ट का ओनर हूँ, जो कि मुजफ्फर भाई का जो अस्मिता ऑर्गेनिक फार्मिंग है वहां से तकरीबन 30 किलोमीटर है। हालांकि ये मेरा कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन मुजफ्फर भाई का जो मैंने अस्मिता ऑर्गेनिक फार्मिंग देखा और करने का तरीका देखा, उससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। उन्होंने आज से 20 साल पहले से मैं उस जगह को देख रहा हूँ, वो बंजर हुआ करती थी, आज वहाँ पे उन्होंने 9 तालाब बना दिए हैं, पूरा तकरीबन 100-150 एकड़ को ड्रिप इरिगेशन कर दिया है, वहाँ गन्ना लगाया हुआ है, वहाँ पे आम लगाया है उन्होंने केसर गुजरात से मंगा के, वहाँ पे उन्होंने नींबू लगाया है, वहाँ पे ऐसा शायद ही कोई फल होगा और काश्तकारी होगी जो उन्होंने नहीं की है। खासतौर से वहाँ पे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसका पूरा उन्होंने यूनिट लगाया है, सोलार सिस्टम पूरा एक लगाया है, जिससे कि आत्मनिर्भर मतलब फार्मिंग को जिसको बोलते हैं ना, जो कि सबसे घाटे का बिजनेस बोलते हैं लोग, लेकिन ये उन्होंने करके दिखा दिया पिछले 5 सालों में कि फार्मिंग क्या होती है और फार्मिंग कैसे दी जाती है, कैसे की जाती है। ये विदर्भा में ये एक बहुत ही यू नो इट कैन बी यूज एज ए पायलट प्रोजेक्ट और एज अ यू नो आप इसको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक अनोखा प्रोजेक्ट है अस्मिता ऑर्गेनिक का। इसको देखने के लिए ही कम से कम आपको 1-2 दिन लगते हैं अगर आपको पूरा देखना है, और इसमें नजर आता है कि मुजफ्फर भाई का कितना इंटरेस्ट है और उन्होंने फार्मर्स के लिए कितना इंटरेस्ट लिया, कितना काम किया, पूरा R&D किया हुआ है उन्होंने, सॉयल के बारे में उनको पूरी जानकारी है, खाद के बारे में उनको पूरी जानकारी है, शायद ही ऐसा कोई चीज़ होगी इस फार्मिंग में जिसमें उनके पास जानकारी ना हो। और उनको जब जानकारी हुई तो हम उनके क्योंकि करीबी हैं तो हमको भी उन्होंने काफ़ी कुछ इस बारे में हमको सिखाया, हमको बताया, और बड़ा अच्छा लगता है जब हम उनके यहाँ जाते हैं, क्योंकि हमने उसको देखा है कि बंजर जमीन से 9 तालाब तक, तालाब में उन्होंने फिर मछलियां डाली हुई हैं, और उन्होंने तालाब भी ऐसे बनाया है कि पहले सबसे पहला तालाब ऊपर, दूसरा उससे नीचे, जिससे कि वाटर परकुलेट होता रहे और ऑटोमेटिकली देर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर इन इट, दैट इज समथिंग यू नो ही हैज डन इट साइंटिफिकली एंड यू नो 100% ब्रेन जो है उसके पीछे उनका है, और ये देखने में बड़ा खूबसूरत है। और शायद मैं तो अलीज आर्केडिया रिसोर्ट का ओनर हूँ, और जैसे ही वो ऑर्गेनिक फार्मिंग फुल स्विंग में होगा तो मैं यहाँ से लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए, क्योंकि आजकल के जो गेस्ट आते हैं हमारे, उनको कुछ मालूम नहीं होता, ना गेहूं के बारे में, ना किसी चावल के बारे में, ना कोई भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम होता है, वो सिर्फ पढ़ते हैं। मैं उनको यहाँ से वहाँ ले जाना चाहूँगा, एक ट्रिप ले जाना चाहूँगा, ये मैं वेरी शॉर्टली जैसे ही कोरोना खत्म होता है मैं ये स्टार्ट करूँगा। थैंक यू एंड गुड लक, और अल्लाह ताला उनको तरक्की दे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।